तो जो इसका कंपोजिशन होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो मिल के ये बनाया गया होता है। तो चलिए इसका नाम बताता हूँ मैं। तो जहाँ तक आप ये देख रहे हैं, ये एक क्लीनर होता है, और क्लीनर का काम होता है कि जब भी मशीन को हम बंद या चालू करते हैं, नहीं शट डाउन स्टार्टअप देते हैं, तो उस टाइम ये मशीन को क्लीन करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो भी अगर चैम्बर में कुछ ब्लॉकेज होकर हो, अगर फंस गया हो, तो क्लीनर की सहायता से हम उसको क्लीन करते हैं कि जो भी ब्लॉकेज हो वो बाहर आ जाए, और जो चैम्बर है या जो पाइप वगैरह होता है वो सारा सारा क्लीन रहे, कि हम सैंपल प्रोसेस करते टाइम कोई किसी तरह का हमें समस्या का समाधान न करना पड़े। और चलिए मैं आपको इसका सिर्फ इतना ही काम होता है, बाकी कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको जो कंपोजिशन होता है, क्या क्या कंपोजिशन होता है, कैसे ये बनता है। तो जो भी ये कंपोजिशन है पर लीटर के हिसाब से, यानी कि एक लीटर आपको बनाना है तो उसके हिसाब से आपको इतने तक कंपोजिशन मिलाना पड़ेगा। जैसा कि पहला आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड 0.9% मिला जाएगा, प्रिजर्वेटिव मिलाया जाएगा 0.09%, उसके बाद से प्रोटेओलाइन एंजाइम होता है वो 0.1% होगा, फिर रोचीमा होगा, उसके बाद से डिटर्जेंट, यानी उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड और HCl, ये सारे इसके मात्रा है। और ये पर 1 लीटर के हिसाब से इतने परसेंटेज इसमें मिलाया जाता है, तब जाके 1 लीटर का क्लीनर तैयार होता है। क्लीनर की जगह पर आप हाइपो का भी इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हाइपो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाइपो क्लोराइड अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो क्रिस्टल बन जाता है, जब वो ड्राई होता है तो उसके पाउडर फॉर्म में आकर वो क्रिस्टल बनता है और पाइप में हो जाता है, जाम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से आपको समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। तो सबसे बेस्ट ये होता है, ये क्लीनर होता है, ये क्रिस्टल ग्रुप में बहुत कम आता है ना मात्रा के हिसाब से, और मशीन को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है इसकी सहायता से। जहां तक इसकी स्टोरेज की बात करेंगे तो 18 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस इसका स्टोरेज माना गया है। अगर इससे ज्यादा या कम होता है तो फिर प्रॉब्लम होगा, अगर ज्यादा होगा तो फिर क्रिस्टल ग्रुप में जम जाएगा, कम होगा तो बहुत ज्यादा ये गाढ़ा और कोल्डनेस हो जाएगा, तो टेम्परेचर ज्यादा मायने रखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और जो भी अगर कुछ डाउट हो तो आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक हुआ है वहाँ पर आकर फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बातें कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें।